कुछ ऐसा काल आया कि हम भारतीयों को ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति बड़ी पुरानी है और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग पड़े। लेकिन अब याद रखिएगा, अभी भी समय है अपनी भारतीय संस्कृति को बना करके रखने का। धीरे धीरे जो वस्तुएं नष्ट होती जा रही है ना पुरानी, एक दिन उनको याद कर करके आगे आने वाला मनुष्य रोएगा। एक कविता मैंने कहीं पढ़ी थी, बड़ी सुंदर है, आपको भी सुनाऊं। मुझे पूरी याद नहीं है पर बीच बीच में थोड़ी याद है, थोड़ी लिखी है। तो किसी ने कहा कि बातों में कुछ बातें और चीजों में कुछ चीजें 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। ये उस कविता का टाइटल है कि 21वीं सदी में आप इन चीजों को ढूंढते रह जाओगे। कौन सी चीजें? बच्चों में बचपन सबसे पहली चीज। कहाँ सबसे पहली चीज खत्म होगी? बच्चों में बचपन। आज का बच्चा जन्म लेते ही सीधा बड़ा होता है। अब वो बचपन नहीं रहा कि वो पहले जाए बाहर खेलने जाए दोस्तों के साथ, अब तो बस उसको एक फोन मिल जाए, फोन पर वो सोफे पे बैठा बैठा वहीं बस गेम खेले, और उल्टा माँ बाप को पूछना पड़ता, बेटा ये फोन में ये कैसे चलेगा? तो फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण और जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा शहर में सिंघाड़ा, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी दादी की कहानी। पहले के बच्चा को जब तक दादी बिठा के गोद में लोरी नहीं सुनाती ना, तब तक उसे नींद नहीं आती। आजकल के बच्चे बोले उनको हेडफोन लगा के पहले गाना सुनना पड़ेगा, फिर बोले नींद आती है उनको। आंखों में पानी दादी की कहानी, प्यार के दो पल, नल नल में जल, संतों की वाणी और कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान और पड़ोसी की पहचान। आप लोग तो इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए कि कौन पड़ोस में रहता है, उम्र निकल जाए पता भी ना चले। मनुष्यता का सम्मान, पड़ोसी की पहचान, रसिकों के कान, ब्रज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। फिर आगे कहते, भरत सा भाई लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई शादी में सहनाई, मंच पर कविताई और सच में सच्चाई, गरीबों की खोली और आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। अगला शब्द है गाता हुआ गांव। आप ये मत सोचिएगा कि ये यहीं की बात हो रही, भारत में भी चले जाइए, आज लोग ग्रामीण सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। उनको लगता है कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में बहुत सारी सुविधाएं हैं तो वो बड़ी महान है, लेकिन याद रखिए जो आनंद उस बहते हुए नदी के झरने के किनारे बैठकर के चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनने में है, वो आनंद दुनिया के दूसरे किसी संगीत में नहीं। गाता हुआ गांव पनघट की छांव। पहले ये बिस्लरी तो होती नहीं थी, फिल्टर होता नहीं था, पहले गांव में क्या होता था? कुआं होता था, और टीवी होती नहीं थी घर पे, तो ये जो कुआं होता था ना, ये माताओं का खबरें पाने का पॉइंट होता था। मतलब पूरे गांव की खबर जो मिलती थी वो जाननी हो तो आपको पनघट पे जाना पड़ता था। वहां माता इकट्ठी हो जाती थी, फिर बातें करती, अरे फलाने की बहू भाग गई, अरे उसकी छोरी ऐसी हो गई, उसका छोरा ऐसा निकम्मा निकल, वो पूरी खबर जो गांव की एक अकेली औरत बता देती थी, उसको पूरे गांव का लेखा जोखा पता होता। तो गाता हुआ गांव
पनघट की छांव, किसानों का हल और मेहनत का फल, मेहमान की आस, कोई हमारे घर मेहमान आए उसका हम स्वागत करेंगे, ये खिला, कितनी आस होती थी, मेहमान की आस, छाछ का गिलास, चहकता हुआ पनघट, लंबा सा घूंघट, लज्जा से थरथराते होठ और पहलवान का लंगोट, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। और अंत में कवि कहता है, आपस में प्यार, आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, कल में आज और संगीत में रियाज, कल में आज और संगीत में रियाज, सड़क किनारे प्याऊ और संबोधन में ताऊ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 रुपए उधार और नेता ईमानदार, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। 21वीं सदी में बातों में कुछ बातें, चीजों में कुछ चीजें, ढूंढते रह जाओगे ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, वो समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन अभी भी जो समय है उसको संभाला जा सकता है, उसको अभी भी बचाया जा सकता है। खुशी की बात है कि आप भले भारतवर्ष से दूर रह रहे हो, लेकिन अपने धर्म को बनाए रखने के लिए आप सुंदर मंदिरों का निर्माण करते हैं, आप आते हैं मंदिरों का दर्शन करते हैं, और बिल्कुल ये होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी धर्म से जुड़े रहें, तो आपको स्वयं बढ़ चढ़ करके उनको धर्म जी करके दिखाना होगा, स्वयं जी करके दिखाना होगा, आपको स्वयं धर्म को धारण करना होगा, और जब आप धर्म को धारण करेंगे तो धर्म आपको धारण करेगा, धर्म आपको संभाल के रखेगा, भारत को कम मत समझिए, भारत के संस्कृति को, संस्कारों को कम मत समझिए, बस उन संस्कारों को कितने महापुरुष भारतवर्ष में हुए, प्राण दे दिए लेकिन अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया, आपको प्राण नहीं देने लेकिन अपना समय निकालना है अपने धर्म के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए।